न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड्स, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। मोहम्मद अवेस नामी ये शख्स पेशे से ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस में काम करते हैं और इनको ये धमकियां दी जा रही है कि गलत कामों का रजिस्ट्रेशन कराएं। ये इनकार करने पर इनको जान से मारने की धमकी दी गई है। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हुदूद में रहने वाले राउडी शीटर्स ने अब इसकी शिकायत लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है और शिकायत दर्ज कराकर 13 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक लंगर हाउस पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं। अब पुलिस क्या इस शख्स का कत्ल होने के बाद इन राउडी शीटरों को गिरफ्तार करेगी? लंगर हाउस पुलिस 13 दिन से क्या कर रही है? क्यों नहीं अरेस्ट किया ये राउडी शीटर्स को जो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? अब लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में राउडी अनासर की बहुत ही ज्यादा हलचल है, लेकिन ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्या आम लोग ही मिलते हैं इन लोगों को जिन पर कार्रवाई की जाती है? क्यों राउडी शीटर्स पर कार्रवाई नहीं की जाती है लंगर हाउस पुलिस की जानिब से? अब ये शख्स ये कह रहा है कि इसकी जान को खतरा है, अगर इनका कत्ल हो जाए इनके कत्ल के जिम्मेदार ये होंगे। अब ये इस शख्स की कार भी लेकर चले गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली के खाली है। आइए सुनते हैं तमाम तफसीला। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम मोहम्मद अवेज है, मैं रजिस्ट्री ऑफिस में वर्क करता हूँ। ऑल ओवर तेलंगाना के रजिस्ट्री ऑफिसों में रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाता हूँ मैं। ये जो रॉडी शीटर्स है, अशो आमिर है, सद्दाम है, जुबैर है, ये चारों जने हैं, लोग बहुत दिन से ज़्यादा टॉर्चर कर दे रहे, घर पे आ रहे, मेरे घर के नंबरों पे भी कॉल्स कर रहे, मारने की धमकियां दे रहे, इलीगल वर्क्स करो बोल के बोल रहे, मेरे को नहीं करता हूँ बोले तो मारने की धमकियां दे रहे, घर के पास आके पकड़ ले रहे, मेरे भाई के लड़के वही भी मेरे रिलेटिव है, उन लोगों को मैं नहीं मिला तो उन लोगों को उठा के ले जाने की धमकी दे रहे। मैं जाके कंप्लेंट भी करा, एफआईआर हो गई लंगर हाउस पीएस में, जो 30 के दिन हुई है, आज को 13 दिन हो गया, बट उन लोग मिल रहे नहीं। उन लोग को मैं जा रहा हूँ पीएस जाके भी मालूमात कर रहा हूँ उन लोग के बारे में। तो मेरी सीवी आनंद साहब से गुजारिश है कि जरा इन लोगों के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिए। मेरे को जो भी ये जो टेंशन से लोग दे रहे हैं, मेरे को मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा सर्वाइव हो रहे हैं हम लोग इन लोग के हिस्सों में, बुला के घर के पास पकड़ ले रहे हैं मेरे को, गन्स दिखा रहे, पिस्टल्स दिखा रहे। ज़रा रिक्वेस्ट यही है सीवी आनंद साहब से कि मेरे को ये लोग से मेरे को कुछ भी हुआ तो ये लोग जिम्मेदार रहेंगे मेरे, और मेरी गाड़ी भी छीन के लेके चले गए। मर्सिडीज गाड़ी थी मेरी, E350 गाड़ी थी मर्सिडीज, वो खादरबाग, घर खादरबाग पे रहता हूँ मैं, वहाँ से लेके चले गए गाड़ी। गाड़ी भी लोग के घर का नहीं मिल तो गई रिकवरी में, मगर कीस नहीं मिल रहे बोल के पुलिस वाले अभी तक नहीं लेकर आए गाड़ी मेरी। बस रिक्वेस्ट यही है सीवी आनंद साहब से बार बार के मेरे को जो भी है इन लोग से छुटकारा होना। मेरे को ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे को कुछ भी अगर हुआ तो ये लोग ही जिम्मेदार रहेंगे, चारों जिम्मेदार रहेंगे मेरे को। और ये लोग मेरी एक एक मोमेंट का इन लोग के लोगों को पीछे लगा के मालूमात कर रहे हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं जाने से पहले इन लोग के लोग ठहरे हुए रह रहे हैं वहाँ पे हर जगह, तो मेरे को मेरी जान का धोखा है लोग से। मेरे हिसाब से एक ही रिक्वेस्ट है सीवी आनंद साहब से कि मेरे को कुछ भी हुआ ये चारों जिम्मेदार रहेंगे, चाहे मेरा एक्सीडेंट क्यों ना हो दो कुछ भी हो दो। और ये FIRs है जो इन लोग के नाम पे ऑलरेडी मास्टर टैंक पीएस से भी हुआ था, ये 2 FIR है, एक मेरी FIR है जो मैं लंगर हाउस से करा, ये मास्टर टैंक पीएस की FIR है। रिसेंटली और एक बच्चे को भी लोग कोई गोपाल नामी शख्स को उठा के लेके चल गए थे किडनैपिंग के, किडनैप कर लिए थे उसको। बस इतना ही बोलना है फिर कि मेरे को आज को 13 दिन हो गया मैं कंप्लेंट FIR करके, और घर के पास आके डरा धमका के गना बता रहे और नाइफ्स बता रहे गाड़ी में से निकाल के, कई बार तो मेरे को लिख जाके मार देते बोल के भी धमकी दिए, मैं नहीं मिला उन लोग को। मगर गाड़ी लेके चले गए, इतना
इस तरीके का टॉर्चर करे कि मेरी जो लाइफ है टोटल एकदम मुझे एक सुसाइड कर लेने के बराबर दिख रही है। लोग से इतना टॉर्चर कर रहे हैं लोग मेरे को, और के इनके जो दूसरे लोग हैं लोग आके सेटलमेंट कर लो बोल के। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल, अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेस एनी कलर रुपीज 99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उमरा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा मेन रोड अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह, मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।